Hello students, today we discuss some problems on subsets. Ye exercise 1.2 ka question number 9 tha hai. Let A is set 1, 2, 3, 4 and B is set 1, 2, 3 and C set 2, 4. Ye apna paas 3 set de diye, to find all set X, yani humne X ki value find karni hai. Satisfying each pair of following condition, यानि इनको satisfy करना चाहिए अपने पास. तो first condition क्या given है, x subset b का and x not subset c, यानि हमने x की value find करने, x कहां से लेनी है, subset of b हो but not subset c हो. तो first we find subset of b, b set is 1, 2, 3, then subset of b कितने बनेंगे, b के subset, अगर b में अपने पास 3 element है तो b के कितने subset बनेंगे, 2 की power 3, तो 2 की power 3 कितने हो जाएगा, उनके पास 8 subset बनेंगे. तो 8 subset बनाने पहले, तो 8 subset बनाते हैं, तो सबसे पहला subset क्या बनेगा, b का 5 बनेगा, फिर b में अपने पास 1 2 3 है, सेकंड क्या बनेगा, सिंगल element 1 2 3, फिर अपने पास डबल डबल कर देते हैं, तो डबल डबल क्या बनेगा, एक तो 1 2 बन जाएगा, नेक्स्ट 1 3, नेक्स्ट 1 2 1 3 एंड 2 3, ये बन गया, और लास्ट में क्या बनेगा, कंप्लीट सेट 1 2 3. यानी सबसे पहले हमने b के सबसेट फाइंड करे, ठीक है, फिर मैं फाइंड करता हूं c के सबसेट, तो c में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन c, 2 4, यानी 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे अपने पास 2 की पावर 2, यानी 2 के पावर 2 का मीनिंग 4 सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनाते हैं इसके, तो क्या बनेंगे, फर्स्ट इज 5, सेकंड 2, फिर 4, फिर 2 4, ये सबसेट बनेंगे. अब क्वेश्चन में क्या कर रखा था, x b का सबसेट होना चाहिए लेकिन c का नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू हमने b के सबसेट में से लेनी है, x की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है, लेकिन कौन सी नहीं, x की वैल्यू कौन सी नहीं लेनी, हमने x की वैल्यू c के सबसेट वाले नहीं लेनी, तो c के सबसेट क्या है, ये वाली है, तो x की वैल्यू हमने ना ही 5 लेनी है, ना 2 लेना है, ना 4 लेना है, ना 2 4 लेना है, तो अपने पास b के सबसेट में से लेनी थी x की वैल्यू, तो हमने 5 नहीं लेना क्योंकि c का सबसेट है, नेक्स्ट 2 2 भी नहीं लेना, ये भी हट गया, नेक्स्ट 4 4 तो इसमें है ही नहीं, 2 4 2 4 भी नहीं है, तो x की वैल्यू हमने कहां से लिखनी थी, b के सबसेट में से, b का सबसेट क्या क्या आ गया, एक तो 1 बच गया, एक 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3, तो अपने पास x की वैल्यू आ गई ये 1 3, ये इट इज द आंसर. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन इज x सबसेट ऑफ a एंड x नॉट इक्वल टू b, यानी x की वैल्यू b के इक्वल नहीं लेनी, तो b सेट क्या था अपने पास 1 2 3 था, यानी x की वैल्यू हमने 1 2 3 नहीं लेनी, इस क्वेश्चन में ये है, और नेक्स्ट है इसमें x नॉट सबसेट ऑफ c, यानी क्वेश्चन का मीनिंग ये है, x की वैल्यू हमने a के सबसेट में लेनी है, b के इक्वल नहीं लेनी है, और x c के सबसेट नहीं लेनी है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करें, हम a के सबसेट फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट वी फाइंड सबसेट ऑफ a, तो a में अपने पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे इसके, तो 2 के पावर 4, यानी टोटल 16 सबसेट बनेंगे, तो फर्स्ट वी फाइंड सबसेट ऑफ a, तो टोटल एलिमेंट अपने पास है a में 1 2 3 4 ये है, तो मैं इसके सबसेट फाइंड करता हूं, फर्स्ट है 5, फिर सिंगल एलिमेंट 1 2 3 4 ये आ गया, फिर डबल डबल कर देते हैं, डबल डबल क्या बनेगा, तो 1 2 बन जाएगा, नेक्स्ट 1 3 में आ जाएगा, और नेक्स्ट 1 4 भी आ सकता है, और 2 3 भी आ सकता है, 2 4 भी आएगा एंड 3 4 भी आएगा, तो हम बनाए एक तो 5, एक बार सिंगल 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 1 3 एंड 1 4, 1 2 1 3 1 4 ये आ गया, और 2 3 2 4 एंड 3 4 ये बन गया डबल डबल का पेयर. अब मैं ट्रिपल ट्रिपल का पेयर अप्लाई करता हूं, तो ट्रिपल ट्रिपल का क्या बनेगा, 1 2 3 1 2 3 और क्या बनेगा, 1 2 4 1 2 4 और 2 3 4 2 3 4 और कुछ बनेगा, एक ये बन जाएगा 1 3 4,
134, ट्रिपल का पेयर, ये ध्यान रखना इसको 134, और एक पूरा कंप्लीट सेट, तो 1 2 3 4, ये तो सबसेट आ गए ए के। सी के सबसेट फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स ए के सबसेट में लेने से एक्स की वैल्यू हमने ए के सबसेट में से लेनी है, एक्स की वैल्यू सी के सबसेट वाली नहीं लेनी। तो सी के सबसेट मैंने पहले फाइंड किए थे 5 2 4 और 2 4, तो एक्स की वैल्यू एम में से लेनी है लेकिन सी वाली हमने नहीं लेनी है। तो सी वाली यानी 5 2 4 और 2 4 नहीं लेना, एक तो 5 नहीं लेना, 5 हटा दिया मैंने, 2 हटा दिया, 4 हटा दिया और एक 2 4 हटा दिया, ये हटा दिया। और क्या हटेगा, x की वैल्यू क्वेश्चन कह रखी है नॉट इक्वल टू b, तो x की वैल्यू b की इक्वल लेनी, b क्या सेट था, b 1 2 3, तो x की वैल्यू 1 2 3 भी नहीं लेनी है। तो अपने पास जो बच गया वो अपने पास आंसर है, x की वैल्यू आ गई कितनी, एक तो 1 बची, 3 1 2 1 3 1 4, जो भी बच गए वो सारे अपने पास x की वैल्यू हम लिख देंगे, ये सारी x की वैल्यू यहां से आ तक, ये था। नेक्स्ट इसकी टाइप आती है x सबसेट a, x सबसेट b एंड x सबसेट c, यानी x a का भी सबसेट हो, b का भी हो और c का भी हो, यानी तीनों की कॉमन वैल्यू लिखनी है। तो a के सबसेट बनाए थे हमने, a के सबसेट ये बनाए थे, b के सबसेट पहले आप बना के आए थे स्टार्टिंग वाले में, c के सबसेट ये वाले हैं, तो तीनों की कॉमन वैल्यू, एक तो 5 कॉमन आएगा तीनों में, तो 5 आ रहा है, ऐसे आप चेक कर लेना, एक 2 आएगा, 5 और 2, ये दो आएंगे x की वैल्यू, ये था इसमें। नेक्स्ट है लेट ए बी सी बी 3 सेट, अपने पास गिवन है ए बी सी, अपने पास कोई 3 सेट गिवन है, एंड इफ ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग टू सी, यानी ए के सारे एलिमेंट अपने पास बी के अंदर लाई करते हैं और बी कंप्लीटली अपने पास सी के अंदर बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन पूछ रखा है इज इट ट्रू ए बिलोंग टू सी, क्या ट्रू होगा अगर ए सबसेट बी है एंड बी बिलोंग टू सी है, तो देन ए बिलोंग सी करेगा, इफ नॉट गिवन एग्जांपल, अगर नहीं है तो एग्जांपल देके बताना। तो अपने पास कंडीशन क्या गिवन है, गिवन कंडीशन इज ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग टू सी, तो चेक क्या करना है, हमने चेक करना है ए बिलोंग सी करेगा या नहीं करेगा, ये चेक करना है। तो हम ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट ए और बी सेट ऐसे लेने हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करें। तो मैंने ए सेट लिया, लेट ए इज 1 2, अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हो। अब बी क्या सेट लेना पड़ेगा, हमने बी सेट लेट कर दिया, क्या इसमें एक एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो यानी 1 और 2 तो हमने लाई करवाना ही करवाना है, 1 2 और अपनी मर्जी से आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। अब चेक करो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ए सबसेट बी का है, हाँ ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट बी है। अब सेकंड क्या चेक करना है, बी बिलोंग सी करना है, यानी हमने जो बी सेट लिया है ना वो कंप्लीटली सी सेट के अंदर लाई करवाना है, एक ये कंडीशन सेटिस्फाई कराओ। तो सी सेट डिफाइन करना पड़ेगा, सी सेट क्या डिफाइन करेंगे हम, सी सेट बी, जो बी सेट है अपने पास वो सी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो बी सेट ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है बी सेट, तो ये अपने पास ए 1 2 3, यानी ये अपने पास बी सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी ऐसा का ऐसा ये इसमें दिखना चाहिए सी सेट में, और सी सेट में आप कुछ भी डाल सकते हो मर्जी है, 4 5 6 7 कुछ भी डाल सकते हो। यानी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग दोबारा बता रहा हूं, ए सबसेट बी का होना चाहिए, तो हमने ए सेट लिया 1 2, तो बी क्या लेंगे हम, 1 और 2 तो डालने हैं क्योंकि सब गिवन कंडीशन ही वाली, और एक्स्ट्रा हम कुछ भी डाल सकते हैं। ये ए सेट डिफाइन कर दिया, बी सेट डिफाइन कर दिया। अब सी सेट ऐसे डिफाइन करना है कि सी जो बी सेट है, बी सेट कुछ ऐसा दिख रहा है इस ब्रैकेट के साथ, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो वो सी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, यानी सी कोई सेट था क्वेश्चन में, तो सेट हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब क्वेश्चन क्या करता है, ये वाला जो है वो सी में होना चाहिए, तो ये वाला क्या था 1 2 3 1 2 3, अपने पास सी सेट के अंदर लिख दिया, ऐसा कैसा कोमा और एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल सकते हो। अब चेक ये करना है ए बिलोंग कर रहा है सी में, यानी ए जो है ए ये वाला सेट सी में ऐसा कैसा दिख रहा है कहीं, यानी ये सेट था कंप्लीट 1 2, ऐसा था कुछ 1 2,
अब ये यहाँ इन सी सेट में ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि ये तो अलग है, ये तो वन टू थ्री है, वन टू तो कहीं नहीं है ऐसा। तो हैंस ए डज नॉट बिलोंग टू सी। बिलोंग में बिल्कुल ऐसा कैसा दिखना चाहिए हमने सी सेट में, तो यहाँ पे विद ब्रैकेट्स, लेकिन यहाँ पे वन टू तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा थ्री और आ रहा है, तो ए अपने पास ये वाला एलिमेंट सी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज प्रूव दैट इफ ए सबसेट फाइव देन ए इक्वल टू फाइव होगा। ये प्रूव करना है, अगर ए सबसेट फाइव है तो ए और फाइव इक्वल हो गया। ए इज एनी सेट अपने पास, फाइव क्या होता है, फाइव इज एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट। अब ये भी कोई सेट है और ये भी कोई सेट है, हमने प्रूव करके दिखाना है ये ए सेट और फाइव सेट इक्वल आए। अगर कभी भी क्वेश्चन में दो सेट को इक्वल प्रूव करना हो, जैसे मैं ए और बी कोई दो सेट है, इनको मैं इक्वल प्रूव करना हो, तो मैं हमेशा ये वाले दो कंडीशन चेक करूंगा। फर्स्ट क्या है, ए सबसेट बी का, और सेकंड मैं चेक करूंगा बी सबसेट ए का। अगर ए सबसेट बी का दिखा दूं और बी सबसेट ए का भी दिखा दे, तो मैं ये कह सकता हूँ ए और बी इक्वल होगा। यानी क्या चेक करेंगे, अगर दो सेट इक्वल दिखाने हो तो फर्स्ट ए सबसेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में दिखाएंगे, सेकंड बी सेट के सारे एलिमेंट हम ए में दिखा दें, तो मैं कह सकता हूँ ए और बी इक्वल होंगे। जैसा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ए सेट लिया मैंने वन टू, बी सेट लिया वन टू वन टू, ये ले लिया। एक बार चेक करो, ए सेट के सारे एलिमेंट अपने पास बी सेट में है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, सेकंड बी सेट के सारे एलिमेंट अपने पास ए सेट में है, ये भी सेटिस्फाई है। तो ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है, तो मैं कह दूंगा दोनों सेट आपस में इक्वल। आप याद रखना, अगर कभी भी दो सेट इक्वल प्रूव करना हो तो हमेशा ए सबसेट बी दिखा देंगे, बी सबसेट ए दिखा दें। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये भी कोई सेट है, ये भी कोई सेट है, ये दोनों सेट इक्वल प्रूव करने हैं, तो कैसे प्रूव करूंगा, एक बार मैं क्या चेक करूंगा, ए सबसेट फाइव दिखाऊंगा, और सेकंड कंडीशन क्या चेक करेंगे, फाइव सबसेट ए दिखाएंगे। अगर ये दो कंडीशन हम प्रूव कर दें तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रखा है, ए सबसेट फाइव दे रखा है, ए सबसेट फाइव, ये वाली कंडीशन तो अपने पास हो ही गई ट्रू, बस नाउ वी प्रूव सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन गिवन इज, सेकंड कंडीशन क्या है अपने पास, फाइव सबसेट ए, ये प्रूव करके दिखाना है। तो वी नो दैट फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव हमेशा सबसेट होता है प्रत्येक सेट का, तो ये वाली कंडीशन तो इज ऑलवेज ट्रू, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई, तो हेंस वी से ए इक्वल टू फाइव। या नेक्स्ट इज If two finite set have m and n elements, यानी अपने पास दो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, उनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो फर्स्ट दो सेट है m और n एलिमेंट है, एक सेट हम लेट कर लेंगे a और सेकेंड वाले को b लेट कर लेंगे, तो उसमें एक में मान लेंगे m एलिमेंट है, सेकेंड वाले में n एलिमेंट है, ये गिवन है। एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके, फर्स्ट सेट के, इज 12 मोर देन, 12 ज्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, तो फाइंड एम एंड एन, ये करना है। तो सोल्व करते हैं, तो लेट ए सेट हैव एम एलिमेंट, ए सेट मान ली मैंने एम एलिमेंट है, एंड बी हैव एन एलिमेंट, बी में मान लिया अपने पास एन एलिमेंट है। अब क्वेश्चन क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट फर्स्ट सेट, तो मैं फर्स्ट जो सेट है उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके, फर्स्ट सेट के, क्या बनेंगे, टू की एम एलिमेंट है तो टू की पावर एम आ जाएगा। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके, सेकंड सेट के, क्या बनेंगे, टू की पावर एन आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेट में एम एलिमेंट है तो टू की पावर एन, एन एलिमेंट है तो टू की पावर एन, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है फर्स्ट सेट के वो 12 मोर है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट के, यानी जो पहले वाला जो सेट है उसके जो टोटल सबसेट बनेंगे वो अपने पास 12 मोर है, यानी ये 12 ज्यादा है इससे, तो इक्वल के लिए मैं क्या करूं, ये अपने पास 12 मोर है, यानी इसका मीनिंग 12 में इस साइड ऐड कर दूं, इक्वल हो जाएंगे ये दोनों कंडीशन, यानी ये जो सबसेट है और ये जो सबसेट है अब इक्वल। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करें, 2 की पावर m इसको साइड लाके 2 की पावर n इज इक्वल टू 12 आ गया, टेकिंग कॉमन 2 की पावर n, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये वाला पीछे वाला कॉमन लेते हैं, तो 2 की पावर n ले लिया कॉमन, तो ये आ गया 2 की पावर, अब जैसे 2 की पावर m है जो भी चीज कॉमन लेते हैं वो डिवाइड में आ जाती है, तो डिवाइड में आया जैसे 2 की पावर m है तो इसके कॉमन लिया 2 की पावर n, तो 2 की पावर n आ गया डिवाइड में, तो इसको मैं ये लिखता हूँ ऊपर जाके पावर माइनस, और 2 की पावर m माइनस n पर लिख सकते हैं, तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 2 की पावर n तो कॉमन आ गया 1 बच गया, ये आ गया। अब इसको क्या लिखना है, 12 को, 12 को मैं फैक्टराइज करके लिखूं 4 × 3, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये यहां से इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, जो 12 है ना इसको ब्रेक करके मैं ऐसी फॉर्म बनाऊंगा। अब ऐसी फॉर्म क्या बनाए, 4 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, क्योंकि आगे 2 की पावर n है इसलिए वजह से 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे 3 को क्या लिखते हैं, 3 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 माइनस 1 करके, क्योंकि 2 की पावर 2 माइनस 1 करने 3 आएगा, यानी जो लेफ्ट साइड जो थी अपने पास और राइट साइड जो है वो सेम बन गई, इस साइड भी 2 की पावर है और 2 की पावर में माइनस 1 है, 2 की पावर 2 की पावर माइनस 1 है। अब कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स कंपेयर करते हैं, यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज 2 आ जाएगा, एंड m माइनस n कितना आएगा, m माइनस n ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर m माइनस n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 पुट कर दे तो यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी 4, तो हेंस n इज 2 एंड m इज 4, ये था।